सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग्स का एक और नया एपिसोड। सो जी हाँ दोस्तों, आज जो है समय मिला है हमें चैंप को नहलाने का। चैंप का जो है ये फर्स्ट बात है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि पानी के साथ क्या रिएक्शन होने वाले हैं इसके। फिलहाल मैंने लीश लगा दी है कॉलर के साथ और पानी यहाँ पर रेडी है, नॉर्मल पानी है, गर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा हो चुका है। फिलहाल अगर तारीख की बात करें तो तारीख है आज 9 तारीख है ना, सॉरी तो 11 फेब है आज 2023। चैंप का जो जन्म है, चैंप के बारे में थोड़ा बताऊं, ये हमारे जो है दो बच्चे हैं हमारे पास, एक मैगी है इंडी ब्रीड और एक हमारा लैब्राडोर है। इन दोनों का ही मिक्सचर ये जो ब्रीड है ये ऐसा निकल के आया है चैंप के रूप में। जब ये छोटा था तो ये ओरिजिनल लैब लगता था, तो अभी बड़े होते होते ही अपने धीरे धीरे अलग ही रूप में जा रहे हैं, ना ये इंडिया लगते हैं ना ये लैब लगते हैं। और इनका जो बिहेवियर है वो भी बिल्कुल अलग है, ना इंडी वाला है ना लैब वाला है, मासूमियत भी है और खुराफात भी हैं, शैतान भी हैं। तो वो कुछ इसी तरह की कहानी है इनकी। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो इसका जन्म हुआ था 17 अगस्त सन 2022 में। तो इसका जो है मोटी कैसा हंस रही है, सन 2022 में इसका जन्म हुआ था और अभी लगभग ये 5 महीने क्रॉस कर दिया इन लोगों ने। तो फिलहाल आज इसका फर्स्ट बात है जिसके लिए हमने यहाँ पर डॉग का शैम्पू भी लेके आए हैं हम लोग, एलोवेरा वाला, और बाकी देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहता है इसका। फिलहाल आई होप कि बढ़िया रहे। जो हमारा लैब है जो कि इसके पिताजी हैं वो तो देखो भाई बढ़िया से नहाते हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया से, लेकिन इसका अंदाजा नहीं है कि ये पानी लगने के बाद क्या बिहेव करेगा, किस तरीके से रखेगा मामले को। मम्मी तो नहाती नहीं है इसकी, बहुत परेशान करती है, चढ़ जाती है सीने पे को आ जाती है। तो कैमरा एंगल मुझे अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा, दिव्या जी बैठी हैं कैमरे के पीछे, वैसे तो ठीक आ रहा है, काला झप्पड़ तो नहीं आ रहा। मैं चैंपू कम हियर, कम बेटा इधर आओ, इधर आओ, डन। तो पानी जो है गाइस ठंडा है, नॉर्मल है, मतलब ठंडा ही है और शायद से इसको गर्मी लग रही है तो ये एंजॉय कर रहा है ना। और ये इसकी फर्स्ट बात है और मेरा बहुत टाइम से मन था, मैं सच बताऊं मैं नहला सकता था बहुत पहले ही, लेकिन मेरा मन था कि मैं इसको सुकून से नहलाऊं और इसका फर्स्ट बात का ये वीडियो भी बनाऊं। कल इसको काला टीका भी लगाया था, आज धुल भी जाएगा काला टीका और फिर हम दोबारा से लगा भी देंगे। वैसे शैतान बहुत है, वरना मैं इसको बिना लीश के नहलाता, शैतान प्लस भगोड़ा। तो गाइस अब चैंपू जो है वो काफी हद तक जो है गीला हो चुका है और अब वक्त आ गया है इसके ऊपर शैंपू लगाने का। तो शैंपू का भी देखेंगे कैसा है, क्या हिसाब किताब है। फिलहाल थोड़ा सा परेशान हो रहा है क्योंकि हवा चल रही है। चैंपू बदतमीजी नहीं, शैंपू की खुशबू तो काफी अच्छी है। नलाई नलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है हमारे चैंपो की और इसने बहुत हड़ाया, मेरे को भी भिगाया और मैगी का नाम रोशन कर दिया, जैसे माँ करती है ना हड़ाती है वैसे ये भी हड़ा रहा है। सो चैंप जो है वो नहा चुका है गाइस और थोड़ी बहुत देर में सूख भी जाएगा और धूप अच्छी खासी है तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इसे किसी चीज से पोछने की जरूरत पड़ेगी, बस इसे थोड़ी देर धूप में रखेंगे ना तो नॉर्मली सूख जाएगा, बढ़िया हो जाएगा एकदम। सो फाइनली इसको थोड़ी देर के लिए बांध दिया हमने ताकि सुकून से धूप में बैठा रहे,
और इसको मैंने अच्छे से पोंछ भी दिया है कॉटन के कपड़े से, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सुखा दिया कपड़े को भी, और अभी ये फिलहाल नज़ारे ले रहा है यहाँ पे कबूतरों के। चैम मजे आ रहे हैं कबूतर देखने में, मजे आ रहे हैं, नहा धो के अब अच्छा लग रहा है ना, वाइट वाइट। सो फाइनली जो है चैम भाई साहब हमारे नहा धो के नीचे आ गए हैं अपनी माता जी हम मैगी के पास, और यहाँ पर इनका पूरा रूम है जहाँ पर अपने मस्ती से आराम से खेलते कूदते हैं। और जब से घर घर में अगर कोई आ जाता है मेहमान तो हम यहाँ पर हमने केज लगाया हुआ है, हम इसमें बच्चों को बंद कर देते हैं। तो फिलहाल काफी खुश हैं ये लोग, और आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऑल राइट, तो इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो जो है आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, और पेट्स तो आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे। बाय बाय, मिलते हैं।